अल्लाह ये कैसी जिंदगी है, बस शर्मिंदगी। सुबह होती है झाड़ू के साथ, रात होती है गंदे बर्तनों के साथ। का का सोचा था हमरे माँ बाप ने हमरे लिए, और हमें कहाँ मिला एक हैरन और ये दो नालायक बच्चे। अल्लाह मियाँ कुछ हमारे लिए और सोचिए बस। क्या हो रहा है, किससे बातें हो रही हैं? अपने दिल से। अरे झाड़ू दो झाड़ू, जरूर किसी पराई औरत का जिक्र हो रहा होगा दिल ही दिल में, है ना? अरे नहीं खैरन, हम जरा अपनी किस्मत पर डिस्कशन कर रहे थे कि अपनी किस्मत को कैसे अच्छा किया जा सकता है। अपनी हरकतों को ठीक कर लो, किस्मत खुद अच्छी हो जाएगी। और आगे क्या होने वाला है ये तो अल्लाह ही को पता है, बस अल्लाह पे छोड़ दो। वाह, शोहर से पूरे घर का काम करा के अपने आप को ठीक करने का सबक दे रही हो। अच्छा, तो तुम आगे और क्या काम करोगे, होगा तुमसे कोई काम? अरे शुक्र करो, शुक्र करो, मुझ जैसी बीवी मिली है। तुम्हारे हाथ पैर चलाने के लिए तुमसे काम करवाती हूँ, वरना पता है ये घुटने पकड़ के ना बैठे हुए होते घर में तो। हाँ बहुत चालाक है खैरन, अपनी बुराइयों पर पर्दा डालना कोई आपसे सीखे। अरे अम्मा ये क्या ड्रामा है? अरे ये ड्रामा और बहुत अच्छा ड्रामा है, पता है इसकी हीरोइन एन शादी के दिन भाग गई क्योंकि वो किसी और को पसंद करती थी। अरे हम उस ड्रामे का बात नहीं कर रहे, उसमें तो हमेशा यही हो रहा होता है। अरे बस कर, कौन से ड्रामे की बात कर रहा है? अम्मा हमने आपसे कहा था हमें सुबह उठाना, हमें जॉगिंग पर जाना था। हाँ तो मैं आई थी उठाने के लिए, तू जमीन पे पड़ा हुआ था, मैंने जगाया तो तू वापस पलंग पे लेट गया, मैं क्या करती? हम नहीं जानता अम्मा, हमें एक हफ्ते में ना दुबला पतला स्मार्ट होना है। अरे ये कौन सा भूत सवार हो गया तुझे, किसने कहा तू मोटा है? अम्मा नौशी ने, नौशी ने कहा जो दुबला पतला स्मार्ट होगा वो उसी से शादी करेगी। या ना सुन नौशी का, पागल बना रही है तुझे। अरे हम अकेला पागल नहीं है, एक और पार्टनर है हमारा इसमें। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। तू क्यों रोना चोना बजा रहे सुबह से? वालेकुम अस्सलाम, ये इतना पसीना पसीना होके कहाँ से आ रहा है तू? अरे अम्मा मैं साइकिल चला के आ रहा हूँ पूरे 3 किलोमीटर, देखो तुम्हारा बब्बन कितना स्मार्ट हो गया। अरे साइकिल कहाँ से आई तुम्हारे पास, किराए पर ली थी का? अरे वो जमाने चले गए जब किराए की साइकिल मिलती थी। तो क्या चोरी की थी? अरे अम्मा वो पड़ोसियों का चौकीदार नहीं है, उससे मैंने शूटिंग कर ली है। जब वो सो जाते ना उसके माँ बाप, तो मैं बच्चे की साइकिल लेके चले आता हूँ, और कोई आम साइकिल नहीं है, पूरे 4 पहिए वाली, गिरता भी नहीं है तुम्हारा बब्बन। अम्मा देखो ये साइकिल चला रहा, हम दौड़ भी नहीं पा रहे। अरे तो उसको कौन सा मैंने जगाया, वो खुद उठ के भागा है, तू पड़ा सो रहा था। पागल कर दिया अम्मा, तुम भी साइकिल चलाओ जरा, यहाँ से कम हो। उठ के यहाँ से, साइकिल का बच्चा अपने बुढ़ापे में ना औलाद की इज्जत करो, ऐसा ना आखिर वक्त में को मुंह ना लगाए। ड्रामे का सत्यानाश कर दिया, लो वो भाग ही गई घर से। मैं बब्बन हूँ नौशी। और क्या जल्दी है तुझे, अभी मुझसे टकरा जाता और मैं गिर जाती तो? अगर आप गिर जाती तो नौशी मैं आपकी नजरों में गिर जाता। मेरा मतलब है मैं आपको उठा लेता नौशी। क्या है, क्यों आया यहाँ पे? नौशी देखो आपका बब्बन कितना स्मार्ट हो गया, अब मैं आपसे शादी के आपके लायक हो गए नौशी। अपनी तरफ से स्मार्ट, ओए अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुझे, चल जा जा। ए, नौशी इतनी साइकिल से चला रहा हूँ मैं। ओए सिर्फ साइकिल से काम नहीं चलेगा नौशी, कोई आम साइकिल नहीं है, पूरे 4 पहिए वाली साइकिल है। ओए तू 4 पहिए की चला या 10 पहिए की, उससे कुछ नहीं होता, थोड़ी डाइटिंग भी करनी पड़ेगी। हाँ डाइटिंग कर ले तो। डाइटिंग क्या होती है नौशी? ओहो खाना छोड़ना पड़ेगा। खाना छोड़? हाँ नौशी खाना मैं छोड़ दूंगा, गाड़ी है मेरे पास। नहीं नहीं खाना छोड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ नौशी मैं पर्सनली तौर पे जाके छोड़ा हूँ। अबे ओ तुझे खाना पीना छोड़ना पड़ेगा। पीना भी छोड़ना? हाँ नौशी डिग्गी में जगह है, मैं पीना खाना दोनों छोड़ाऊंगा नौशी। नहीं तुझे खाना छोड़ना पड़ेगा। हाँ नौशी हाँ। अरे पागल, नहीं खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना खाना, ओहो तुझे खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, भूखा मत। अरे नौशी अगर मैंने ऐसे किया तो मैं मर नहीं जाऊंगा नौशी। तो अच्छा है ना, कम से कम एक से तो मेरी जान छूटेगी। हाँ नौशी इंशाल्लाह तुम्हारी प्यारे से जान छूट जाएगी। ए पागल मैं तेरी बात करी बबन। नौशी आप जो मर्जी मुझे कह लो, लेकिन एक बात बताओ आपकी शादी जो है ना मुझसे हो। अच्छा तुझसे शादी करेगी मेरी जूती? मेरे जोगर से। अबे ओ दिमाग मत खराब कर, चल निकल निकल यहाँ से। नौशी जाने से पहले एक बहुत पर्सनल सवाल करूँ, ये खाना कौन से इलाके में छोड़ना पड़ेगा? मैं समझ गया, मैं कर लूंगा नौशी, मैं कर लूंगा। अजीब पागल है, मेरा बस चले ना तो इन सारे खानदार को ना मैं भूखा मार दूं, जाहिल फैमिली खाकर भूखा मारने की तरकीब निकाल दूं।
अजय रॉन्ग नंबर। अरे आपको कैसे पता रॉन्ग नंबर? अरे नंबर तो ठीक है लेकिन जगह गलत है, यहाँ आपके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन मैं तो आपकी भलाई करने आई हूँ ना प्यारे। है? आपका हमारा नाम कैसे पता है? नाम तो नहीं पता, मैंने तो शक्ल देख के बोल दिया प्यारे। देखिए आप हमसे ऐसी बातें मत कीजिए। क्यों? आपको अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती? नहीं, हमें ना मोहब्बत होने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और इस महीने का कोटा हम पूरा कर चुके हैं। चलो मैं कल आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं रुकिए, तो बताइए आप कौन है और क्या क्या करना आई थी? असल में मैं डाइटिशियन हूँ और मेरा नाम महक है। नाम तो आपका समझ आ गया लेकिन आप कहाँ हैं वो हम समझ नहीं पाए। ये समझना जरा मुश्किल है। अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर में कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने मोटापे से परेशान हो? लो कल लो बात, हम हैं ना, देखिए कितने मोटे हो गए हैं। तो बस फिर मैं यही करती हूँ, मैं खाने की रूटीन सेट करती हूँ और 10 दिन में स्मार्ट कर देती हूँ। अरे वाह, आप हमें स्मार्ट कर दीजिए फिर हमसे शादी कर लीजिएगा। शादी? शादी नहीं हो सकती क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। तुम थोड़े से लेट हो गए हो प्यारे। अरे यार चलो कोई बात नहीं, आप हमें स्मार्ट कर दीजिए, हम नौसी से शादी कर लेंगे। फिक्र मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना, तुम्हें स्मार्ट होने से अब तुम भी नहीं रोक सकते। एक दिन में सेट कर दूंगी मैं। अरे अब हमें सेट कीजिए लेकिन अंदर आके, लोग बाहर देखेंगे तो पता नहीं क्या समझेंगे। आइए आइए चलो। लेकिन हाँ एक चीज से बचकर रहिएगा। वो क्या? एक नोकीली सी चीज घूम रही है, हमारे अब्बा है पैरों में आ जाते हैं। आइए आइए आइए। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। आइए 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 सावली सलोनी से महबूबा। एक तो अब्बा कोई खूबसूरत लड़की आती है तो एकदम खुशबू आ जाता है। अरे बिल्कुल, अरे ये तो आज हम लेट हो गए वरना दरवाजे पर हम खुद ही जाते हैं। ये कौन है? ये वो बुराई है जिससे आपको बचकर रहना है। और ये कौन है? अब ये महक है, ये लोगों को दुबला करती है। आ, बिल्कुल सही कहा, इन्हें देखकर किसे भूख लग सकती है, इंसान खुद ही दुबला हो जाएगा। महक जी ये जो घटिया सा इंसान है हमारे अब्बा है। अब्बा कितो लबा? नोकीली भी है और जोकीली भी, वैसे हमारी उम्र ज्यादा नहीं है, बस इनसे 3 साल छोटे हैं। 3 साल? अरे अब्बा शर्म कीजिए, कैसा बातें कर रहे हैं, चलिए आइए आप। अरे सुनो ये पीस हमरा ही है, जान की बाजी लगा देंगे, गेट करेंगे इसको। जान वो तो पहले ही बनियान में अटकी हुई है। जोक मारती है। प्यारे इस घर में कोई लड़की भी है? अरे है ना, नौसी है, उसी की खातिर तो हम दुबला पतला हो रहे हैं। वो मैं कर दूंगी, अभी मुझे नौसी से मिलवा दो। हाँ ठीक है आइए। सुनिए जी फरमाइए। हमें भी दुबला कर दीजिए ना, हमारा वजन काफी बढ़ गया है। आप और दुबले हो गए तो आपके साइज के मार्केट में कपड़े भी नहीं मिलेंगे, कुछ तो रहम कीजिए अपने आप पर। अरे महक इनको छोड़िए, आप बस हमारे साथ रहिएगा, रास्ते में एक और जानवर मिलेगा आपको। आप मुझे बस नौशी का कमरा दिखा दे, मैं खुद ही उससे मिल लूंगा। आइए चल नौशी थोड़े से और। अरे अरे ये क्या कर रही है तू? अरे मैं तो आ गई। मैं तो आ गई पर तू क्या कर रही है? वो मुझे ना अपना आप बहुत मोटा लग रहा था तो इसमें कूदने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं मैं कूद थोड़ी नहीं थी, मैं तो एक्सरसाइज कर रही हूँ। अच्छा बस रहने दे, देख तूने एक कॉल की और मैं फौरन आ गई। हाँ यार थैंक यू सो मच। अब इन लोगों की ना वो हालत करना कि जिंदगी भर याद रखे। तू फिक्र ही मत कर मेरी जान, बस तू देखती जा, 2 से तो मिल चुकी हूँ, अब 2 बाकी हैं। जिन जो से तू मिली है ना वो दो उन 2 को रिपोर्ट कर रहे होंगे। अच्छा कुछ ठंडा पी ले, मैं भी थक गई एक्सरसाइज करके। चल 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 चल। आखिर यहाँ भेजा किसने? जिस तरह पुलिस अपने मुजरिमों को सूंघकर पहुंच जाती है इसी तरह मैं भी अपने मरीजों तक पहुंच जाती हूँ। अरे वाह देखिए आपको देखने से पहले ही हम आपके मरीज हो गए और आपको पता भी लग गया। मरीज तो तुम वैसे ही लगते हो वजीर अहमद, कहीं जाया ही ना हो जाओ। सही कह रही है। वैसे डाइट महक आप मेरे को ये बताओ कि आप मेरे को
स्मार्ट कर सकती हो आ? हाँ, एक दिन का काम है बस। अरे एक दिन में हमने सेहत बनाई नहीं है, आप खराब कैसे करेंगी? अरे मैं खराब करने का थोड़ी बोल रही हूँ, मैं तो बस बॉडी से फैट कम करवा कर इंसान को स्मार्ट बना देती हूँ। तो बस फिर हम पे काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमरे में बहुत फैट है। आप फैट नहीं हो, आप रेड हो, आप इतने पतले हो जैसे सुई, और आप इतने मोटे हो जैसे पानी वाली टैंकी। अरे क्या बात की भैया, मैं कहता हूँ मजा ही आ गया, बहुत अच्छे, क्या बात की, मैं कहता हूँ कमाल कर दिया। अच्छा ठीक है प्यारी, ये बताओ क्या मैं भी मोटी लगती? हाँ, आपको तो बहुत मेहनत की जरूरत है। मेहनत? और ये आप गलत जगह सूंघ के आ गई हो, मेहनत कराइए इससे। भाई हमारी कौम भी अजीब है, हमने एक जगह दीवार पर देखा इश्तेहार लगा हुआ था कि कमजोर जिस्म को मोटा बनाइए, और बराबर में एक और इश्तेहार था कि मोटे जिस्म को कमजोर बनाइए। अब आप बताएं क्या बनाएं और क्या ना बनाएं। लेकिन पहले आप मेरे को ये बताओ, ना आप मोटे हो, ना आप पतले हो, ना आपके पास जिस्म है, तो इश्तेहार में आप क्या बनाए? अरे चुप कीजिए, आप बताइए। हाँ, हर किसी का अपना अपना मसला है, लेकिन अब आप लोग तैयार हो जाएं, जो मैं कहूँगी बस वो खाएंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाएंगे। आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। लो भैया तैयार हो जाओ, चलो चलो सूट पहन लो। वैसे ही वो कह रही थी तैयार हो जाओ। बहुत ही जाहिल बात है। सुनिए, आप इतना जो सबका इलाज कर रही हो, तो मोबाइल तो होगा आपके पास? हाँ है। जब भी मेरा नंबर लियो ना, 0 है, नंबर नहीं मांग रही वो। वैसे आपके पास मोबाइल है? नहीं है। हमारे पास भी नहीं है। आपके पास मोबाइल है? अबे बोला ना नहीं है। हमारे पास है, वो पुलिस वाली। जूस पूछ लेती हूँ, कहीं ऐसे ना हो ना अल्लाह को प्यारे हो जाए। अरे कुछ नहीं होता, एक दिन ना खाने से मर थोड़ी जाएंगे, अक्कल जरूर ठिकाने आ जाएगी। हाँ वैसे बात तो बिल्कुल ठीक करी। ठीक है तू कट।
अरे बैठक छोड़ने नहीं जाएगी, कितनी मतलबी है तू। अच्छा ठीक है, हाँ चल चल चल। इनकी तस्वीर बना लो, फेसबुक पे डालेंगे और लिख देंगे ठरकियों का अंजाम। अरे यार बहुत अच्छे, अभी खींच लेती हूँ तस्वीर। अरे यार यही तो मैं चाहती थी, इनका अंजाम बहुत अच्छा है। अच्छा तो ये सारी तेरी चाल थी है, तू हमें भूख से मारना चाह रही थी। हाँ तो और क्या, बड़ा खाना खाना करते हो ना तुम लोग, अब ऐसा ना भूख किसे कहते। अरे कमबख्तो उठो उठो, देखो ये सारा कुछ इसका किया धरा है। ए बबक, ए वजीर प्यारे उठो। अरे अम्मा सुन लिया, हम बहरे नहीं है। अम्मा सुन तो लिया लेकिन वैसे चाल क्या दिया चाल। अरे ये ना हमें भूख से मारना चाह रही थी। अरे आप हमें मारने आई थी महक। ओए मुझसे बात कर। अरे आपको तो देखते ही हम आप पे मर मिटे थे, तो ये सब करने की क्या जरूरत। अरे कमबख्त उठो, चलो उठो मारो इस महक को। उठो अरे उठो कमबख्त, उठो उठो। हीरोइन की शादी हो रही थी और वो एन शादी के दिन वो भाग गई घर से। अरे अम्मा हम उस ड्रामे के बाद वो किसी और को पसंद। शुक्रिया। अरे खरीद ली, कैसे खरीद ली? किराए पे। कॉमेडी मतलब अगर आप अक्सर नोट करें, लोगों को लगता है कि कॉमेडी जो है वो एक बहुत आसान काम है। मैं आप लोगों को बिल्कुल सीरियस नोट बता रहा हूँ, कॉमेडी जो है वाकई बहुत आसान काम होता है। कुछ तो रहम कीजिए अपने आप। थोड़ा रहम करो अपने ऊपर, यहाँ गिटार बज जाएगा तुम्हारा। चलो हटो। आइए अब्बा, आइए अब्बा। आपके पास मोबाइल है? नहीं है। मैं कट करी नहीं। बस कर दो, बस बस। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहें सिटकॉम सिलावले को। सिलावले को।